हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 वाला नेट या JRF का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए आपको यहां पर काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप सेट, PGT या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ सोशियोलॉजी से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड अब बात करते हैं वीडियोज़ की, तो इन सभी से जुड़े हुए वीडियोज़ आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सभी का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है तो आपको वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी देख लें। अभी जो इधर डेली वीडियोज़ आते हैं, बात करें सोशियोलॉजी की, तो वो यूनिट वाइज आ रहे हैं। प्लस जो पहले वाले वीडियोज़ की आपसे जो देखने के लिए बात की जा रही है उनमें आपके जितने भी जो सिलेबस में जितने भी थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड, उन सभी थिंकर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं प्लस जितने टाइप के क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड आपको वहाँ पर वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये न्यूज़ में है इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा जो कोरोना वायरस चला है इसके चलते हुए जो कई सारे मिशन चलाए गए हैं भारत के द्वारा उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ये आपके नेट एग्ज़ाम, इसके अलावा अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। मिशन की बात करें तो कौन कौन से हम लोग देखने वाले हैं, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु, एंड जो थर्ड मिशन है वो है मिशन सागर। इनके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने COVID-19 के मद्देनज़र लॉकडाउन जैसी स्थिति के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रारंभ किया है। ठीक है, विदेशों में जो भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु ये शुरू किया है। अब बात करें वंदे भारत मिशन की, तो इस मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे लगभग 1,50,000 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 7 से 13 मई तक 64 हवाई उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इस मिशन के तहत विदेश से लगभग 2,000 लोग रोज़ाना भारत वापस आएंगे। ठीक है, विदेश से लगभग 2,000 लोग रोज़ाना भारत वापस आएंगे। वर्ष 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से 1.7 लाख लोगों के निकासी ऑपरेशन के बाद यह जो मिशन है वह अब तक का सबसे बड़ा निकासी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो सेकंड मिशन है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय प्रयास के भाग के रूप में विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु ये लॉन्च किया। इस निकासी अभियान के प्रथम चरण में भारतीय नौसैनिक पोत, जलशवा एवं मगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। INS जलशवा नौसेना का सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है और यह विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के अंतर्गत आता है। INS मगर भारतीय नौसेना में मगर श्रेणी के एम्फीबियस युद्ध पोतों में से एक प्रमुख जहाज है और इस ऑपरेशन के तहत 8 मई 2020 को शुरू हो रही पहली यात्रा के द्वारा लगभग 1,000 लोगों को वापस लाने की योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर जो आपके जो जहाज हैं इनके बारे में, इनका जो नाम है उसको आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मिशन सागर की, तो 10 मई 2020 को COVID-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, शेल्स, मेडागास्कर एवं कोमोरोस देशों को सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर प्रारंभ किया है। ठीक है, ये कंट्रीज़ को जो है सहायता पहुँचाने के लिए मिशन सागर प्रारंभ किया है और किन कंट्रीज़ के को हेल्प करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख ले तो इसके तहत जो भारतीय नौसेना है उनके जहाज केसरी को हिंद महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुओं, COVID-19 से संबंधित जिसमें दवाएं, विशेष आयुर्वेदिक दवाएं और चिकित्सा सहायता दलों के साथ भेजा गया है।
यह जो अभियान है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों के साथ नज़दीकी समन्वय के साथ शुरू किया गया है। यह मिशन प्रधानमंत्री की सागर पहल के अनुरूप है, जो भारत द्वारा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है एवं मौजूदा संबंधों को और मजबूत करता है। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट था मिशन से रिलेटेड, आपको अच्छे से देखना है, आपके नेट एग्ज़ाम के अलावा अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।